वही मध्य प्रदेश में चुनाव नतीजे आए 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन आज भी ये सवाल बना हुआ है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। सियासी गलियारे में इस देरी के मायने निकाले जा रहे हैं। वहीं प्रशासनिक हलकों में इस देरी के चलते आम जनता की मुश्किलें बढ़ने के आसार हैं, क्योंकि देखिए लाखों करोड़ के कर्ज में डूबे मध्य प्रदेश में अभी तक बजट की तैयारी भी शुरू नहीं हो पाई है। देखिए हमारी रिपोर्ट। पिछले 2 महीने से मध्य प्रदेश चुनावी शोर में डूबा रहा। 3 दिसंबर को नतीजे भी आ गए। बीजेपी 2/3 बहुमत से जीत गई, कांग्रेस हार गई। लेकिन इस शोर में एक अहम काम छूट गया, बजट की तैयारी। हर साल नवंबर में बजट की तैयारी शुरू हो जाती है। वित्त विभाग सभी विभागों से उनकी मांग और मौजूदा खाते की हालात पर रिपोर्ट मांगता है। दूसरे चरण में उप सचिव स्तर के अधिकारी वित्त विभाग में अपने समकक्षों से मिलते हैं और अपनी मांगों को सूचीबद्ध करते हैं। बैठक का दूसरा दौर वित्त के अधिकारियों के साथ विभिन्न विभागों के प्रमुखों के बीच होता है। इसके बाद वित्त मंत्री स्तर और सरकार के प्रमुखों की सहमति से बजट को अंतिम रूप दिया जाता है। लेकिन इस बार अभी तक कुछ नहीं हुआ है। सरकार भी मानती है देरी हुई है, लेकिन कह रही है 1.5 महीने में सब ठीक कर देंगे। चुनाव के कारण से करीब 2-3 महीने तक ये शून्यता की स्थिति रहती है। ये दिसंबर माह के अंत तक हमारी सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएंगी। अच्छा। और सामान्यतः फरवरी के 2-3 हफ्ते में ये हमारे बजट सत्र होता है, तो 1.5 महीने में तो ये सारे कार्य पूरे हो जाएंगे। सोर्स है कि मार्च में हमारा आम बजट राज्य सरकार का आता है और जिसकी तैयारी नवंबर से प्रारंभ हो जाती है, किंतु आज तक जब दिसंबर लगभग आधा होने को है, तब तक बजट की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है। राजनीति अलग है, संवैधानिक प्रक्रिया अलग है, तो इस संवैधानिक प्रक्रिया का प्रारंभ कब होगा, अभी कोई भी व्यक्ति या कोई भी ब्यूरोक्रेट्स इसका जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। यह अफसोसजनक है। 31 मार्च 2023 तक राज्य पर 3,31,000 करोड़ रुपए का कर्ज था। पिछले 9 महीनों में 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज लिया जा चुका है। मौजूदा वित्तीय वर्ष में राज्य का बजट 3,14,025 करोड़ रुपए है। 2023-24 में 2,25,000 करोड़ रुपए की आमदनी का अनुमान है। खर्च 2,79,000 करोड़ रुपए यानी 54,000 करोड़ रुपए का खर्च ज्यादा। नई घोषणाओं के लिए सरकार को 23,000 करोड़ रुपए की और जरूरत होगी। लाडली बहना को 3,000 रुपए महीना दिए तो अकेले इस योजना पर सालाना 45,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मध्य प्रदेश अपने GSDP से 30% से ज्यादा कर्ज ले चुका है। एक तर्क ये है कि कर्ज लेकर बुनियादी सुविधाओं में खर्च करने से मांग बढ़ती है, रोजगार पैदा होते हैं, लेकिन दूसरी बात यह है कि इससे वित्तीय संतुलन गड़बड़ होता है, हर शख्स कर्जदार हो जाता है। लेकिन पहले तो फिलहाल चुनौती बजट बनाने की है, लेखा जोखा करने की है। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।